वीआईपी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं पीके सिंधुस्तान एक खास खबर के साथ आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के अंदर कौन इतिहास रचने जा रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां विधानसभा चुनाव में रहने वाली हैं, किसको मिलेगा, किसके सर पे होगा ताज और किसको है जनता को है किस पर नाज, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन के चुनाव के रिजल्ट से ठीक 12 घंटे पहले आज ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के पहुंचे हैं। वीडियो बनाने का कारण जो रहेगा वो ये रहेगा कि प्रत्येक जो गांव की लिस्ट जो हमने बनाई है, प्रत्येक गांव से जो हमने चर्चा की है और वहाँ के एजेंटों से चर्चा की है, वहाँ के लोगों से चर्चा की है, गणमान्य और ज्ञानी गुणी लोगों से चर्चा करने के बाद में इस रिजल्ट तक हम पहुँचे हैं। देखिएगा इस वीडियो में कौन किस सीट पर किस गांव में आगे रहेगा। तो एक आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है सीट रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के खाते में रहेगी। बाबा मूंगी पा नगरी तो शाम यानी पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली सीट रहेगी तोशाम। और आज हम तोशाम के प्रत्येक गांव का नजारा लेंगे, प्रत्येक गांव की चर्चा करेंगे कि किस गांव में कितने वोटों पर कांग्रेस आगे है, कितने वोटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, किसके सर पे तोशाम का ताज रहेगा। आइए हम चर्चा करते हैं और आप सभी साथियों से एक अपील भी करूंगा, इस अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी भी गांव के कोई आंकड़े अगर फेर बदल नजर आता है या फिर उनमें कोई चेंजिंग नजर आती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए चलते हैं चुनाव की चर्चा पर। सबसे पहले बात करेंगे चनाना गांव की। चनाना से शुरुआत करते हैं। 938 वोट यानी 84% जो वोटों की पोलिंग रही है, यहां पे दोनों ही पार्टियां जो है बराबरी सतर पर नजर आ रही हैं। गारनपुरा कला में 1479 वोट पड़े हैं, 82% वोट हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो 100 बढ़त नजर आ रही है। गारनपुरा खुर्द में भी 50 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। पिंजोखरा की जिक्र करें तो हम लगभग 300 वोटों से प्लस है कांग्रेस पार्टी। खानक का जिक्र करें तो 800 वोटों से प्लस की लीड लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और किरावट का जिक्र करें तो लगभग 0 पे है यानी बराबर पे है, 20-30 वोटों का ऊपर नीचे हो सकता है। ढाणी किरावट की बात करें तो 150 वोटों से कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही है। बुरटाना में बराबरी का लगाया जा रहा है, अलगपुरा में भी लगभग बराबरी का जो रिजल्ट रहेगा। तो शाम जनता जनार्दन यानी सबसे ज़्यादा बाबा मुंगीपा नगरी का जिक्र करें तो 11,840 वोट हैं जिसमें से 8126 वोट जो है उनकी पोलिंग हुई है, 68% जो मतदान है वो हुआ है और इसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 2000 वोटों की जो है लीड बनाए हुए है। बागावाला का जिक्र करें तो 2243 वोटों की पोलिंग हुई है, इसमें माइनस यानी मैं प्लस कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 200 वोटों से आगे चल रही है। डाडम में लगभग 300 वोटों से कांग्रेस पार्टी जो आगे चल रही है। छपार रांगडान में 350 वोटों के आसपास का जो जिक्र है वो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। छपार जोगियान का अगर जिक्र करें, बाबा उद्धवनाथ जी की नगरी छपार जोगियान में भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 50-70 वोटों पर आगे रहेगी। और ढाणी दरियापुर का जिक्र करें तो लगभग 150 वोटों से आगे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। दरियापुर का अगर हम जिक्र करते हैं तो लगभग 150-200 वोटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। ढाणी मिरान का जिक्र करें तो लगभग 150 वोटों के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। मिरान का जिक्र करें तो 250-300 का जो आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी प्लस करने वाली है। बिड़ोला का जिक्र करें तो 50 वोटों से लगभग मार्जिन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और सरल का जिक्र करें तो लगभग 150-200 वोटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे है। ढाणी सरल का जिक्र करें तो 100 वोटों से आगे चल रही कांग्रेस पार्टी। झामरी का जिक्र करें तो 100 वोटों से प्लस रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और करकड़ी माखवान का अगर जिक्र करें तो दोनों का पलड़ा जो है वो बराबर का नजर आ रहा है। लक्ष्मणपुरा की बात करें तो 72% वोट जो है पोल हुए हैं, 490 वोट पोल हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी 150 वोटों से लीड बनाए हुए है। नया गांव का जिक्र करें तो 1864 वोटों की पोलिंग हुई है, इसमें कांग्रेस पार्टी लगभग 200 वोटों की जो है वो बढ़त पे है। सागवान का जिक्र करें तो 3140 वोटों की पोलिंग हुई है, 500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है।
सागवान के साथ लगते गांव का जिक्र करें, दांग कला का। दांग कला में लगभग 1202 वोटों की जो वोटिंग हुई है, 100 वोटों से बढ़त बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और धारण का जिक्र करें तो 711 वोट बढ़े हैं, इसमें से लगभग बराबरी का जो आंकड़ा यहां पे रहेगा। थिलोड का जिक्र करें तो 1221 जो वोट हैं वो पोल हुए हैं, और इसमें से 100 वोटों से बढ़त बना रही है कांग्रेस पार्टी। पटौदी कला का जिक्र करें तो 1033 वोटों का मतदान हुआ है, जिसमें से 100 वोटों से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आगे रहेगा। और पिटौदी खुर्द का जिक्र करें तो 150 वोटों से, यानी 764 वोटों की जो पोलिंग हुई है, इसमें से 150 वोट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्यादा लेती हुई नजर आ रही है। बादलवाला का जिक्र करें तो इसमें 100 वोटों से माइनस रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और भारीवास का जिक्र करें तो 892 वोट जो हैं पोलिंग हुए हैं, 68% की पोलिंग हुई है, इसमें 50 वोटों से बढ़त ले सकती है कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ झुल्ली का जिक्र करते हैं, 809 वोटों की पोलिंग हुई है, 150 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। और भेरा के अंदर भी 1879 वोटों की जो पोलिंग हुई है, 150 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है। सिढ़ान का जिक्र करते हैं तो 1364 वोट पोलिंग हुए हैं, 81% मतदान यहां पे हुआ है, 150 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। देवास गांव का जिक्र करें तो 1224 वोट पोल हुए हैं और 50 वोटों से प्लस रहेगी कांग्रेस पार्टी। खावा का जिक्र करते हैं तो 852 वोटों की जो पोलिंग हुई है, उसमें से 76% मतदान यहां पे खावा के लोगों ने किया है, इसमें से कांग्रेस पार्टी जो है 100 वोटों से आगे नजर आ रही है। मनहान गांव का जिक्र करें तो 1122 वोट पोल हुए हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी 50 वोटों से आगे नजर आ रही है। जैनावास का जिक्र करते हैं, 737 वोटों की पोलिंग हुई है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है 100 वोटों के आसपास लगभग लीड जो है वो बनाए हुए हैं। संडवा का जिक्र करते हैं, 4113 वोटों की पोलिंग हुई है, 75% मतदान के साथ में कांग्रेस पार्टी 300 वोटों से आगे चल रही है। आलमपुर का जिक्र करें तो 2152 वोटों की पोलिंग हुई है, इसमें से 250 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। दुलैरी का जिक्र करते हैं, 2413 वोटों की वहां पे पोलिंग हुई है, 75% मतदान के साथ में 600 वोट प्लस की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। निंगाणा खुर्द का जिक्र करें तो 1078 वोटों की पोलिंग हुई, दोनों पार्टियां बराबर मार्जिन पे नजर आ रही है। निंगाणा कला का अगर जिक्र करते हैं, 1284 जो वोट हैं वो पोल हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी 100 वोटों प्लस की जो लीड है वो बनाती हुई नजर आ रही है। डाणी निवासा का जिक्र करते हैं, 958 वोट जो है वो पोल हुए हैं, इसमें से 250 प्लस की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। रिवासा गांव का जिक्र करें तो 2146 वोट यहां पे पोल हुए हैं, इसमें से जो भाजपा पार्टी जो है वो 100 वोट माइनस में रहती हुई नजर आ रही है। और जो शशि रंजन परवार जी हैं, यहां से अच्छे मार्जिन के साथ में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मिरन का जिक्र करें तो 2794 वोटों की पोलिंग हुई है, और बात करें तो लगभग 2794 वोटों का जो आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें से 1000 के आसपास का जो प्लस का जो पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही जीत का। बापोड़ा का जिक्र करें तो 10066 वोटों का बापोड़ा गांव का है, और बहुत बड़ा गांव कहा जा रहा है, 6490 यानी 64% पोलिंग यहां पे हुई है, और 800 वोटों की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रुति चौधरी लेती हुई नजर आ रही है। दांग खुर्द का जिक्र करें तो दांग खुर्द के अंदर लगभग 100 प्लस के आसपास के जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्लस रहेगी। राजपुरा खरकड़ी में 250 जो वोटों से भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए हैं। और बात करें दिनोद गांव की, तो जिसमें 8743 वोट जो हैं, जिसमें से पोलिंग हुए 5664 वोट पोलिंग हुए हैं, इसमें 64% का जो मतदान है यहां की जनता ने किया है, और लगभग आंकड़ा माना जा रहा है कि 1200 से 1500 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई वहां से नजर आ रही है। बात करते हैं ढाणी बीरन की, जो 403 वोटों की पोलिंग हुई, इसमें से 100 वोट का जो मार्जिन है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बजीना गांव का जिक्र करते हैं तो 300 वोटों से प्लस भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, 2494 वोट बजीना में पोल हुए हैं। ढाणी माओ का जिक्र करें तो 3337 वोट पोल हुए हैं, और लगभग 200 वोट प्लस की जो लीड है वो कांग्रेस पार्टी यहां से लेती हुई नजर आ रही है। सुंदरपुर का जिक्र करें तो 1970 जो वोट है उनकी पोलिंग हुई है सुंदरपुर में, और यहां पर भी शशि रंजन परमार जी काफी अच्छी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और 300 वोटों से माइनस हो सकती है भारतीय जनता पार्टी।
खारी आवाज का जिक्र करें तो 214 वोट पोल हुए हैं, लगभग बराबर का नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। भूसान गांव में 1197 वोट पोल हुए हैं, यहाँ पर भी दोनों पार्टियां बराबर नजर आ रही है। कतवार और कतवार ढाणी का अगर हम जिक्र करें तो 1012 वोट पोल हुए हैं, इनमें से 150 वोट प्लस की जो लीड है वो कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। ईश्वरवाल का जिक्र करें तो 2269 वोट पोल हुए हैं, जिसमें से 350 जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ रही है प्लस। अरोड़ा का जिक्र करते हैं तो 1388 पोल हुए हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की बढ़त 100 वोटों से नजर आ रही है। हसान का जिक्र करें तो 1620 वोट पोल हुए हैं, यहाँ पर भी 150 वोटों से जो लीड है वो कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। साहलेवाला का लगभग बराबर का रिजल्ट रहेगा, 20-30 ऊपर नीचे हो सकता है। और धारवाड़ बास का अगर जिक्र करें तो 1732 वोट यहाँ पे पोल हुए हैं और 200 वोटों से बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है। बात करते हैं खापड़वास की, 680 वोट पोल हुए हैं, लगभग दोनों पार्टियों का बराबर का रुझान है। और सिमलीवास का जिक्र करें तो 924 वोट पोल हुए हैं, लगभग 100 वोट प्लस रहेगी कांग्रेस पार्टी। मंसरवास में भी लगभग 150 वोट प्लस रहेगी कांग्रेस पार्टी। जीतवानवास में भी लगभग 100 वोट प्लस रहेगी कांग्रेस पार्टी। और कोहार के अंदर भी लगभग 100 वोट प्लस रहेगी कांग्रेस पार्टी। और केरपुरा के अंदर 150 वोट प्लस रहेगी भारतीय जनता पार्टी। मालवास, कोहार, मालवास, देवसर के अंदर लगभग दोनों गांव से 100 से 150 की बढ़त हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी इस बढ़त को ले रही है। कुसुम्बी का जिक्र करें तो 1106 वोट पोल हुए हैं, जिसमें से 300 वोटों की बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। ले गया हरिद्वार का जिक्र करते हैं, 150 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ऊपर नजर आ रही है। और ले गया भरान से लगभग 100 से 150 वोट जो है कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। दोनों में से लगभग बराबर का सिस्टम यहां पर रहेगा। एतमपुरा का जिक्र करते हैं, 1840 वोट पोल हुए हैं, 150 वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्लस रहेगी। और लहलाना, ढाणी, शंकरी, इनमें से दोनों का लगभग बराबर है, 20-30 ऊपर नीचे हो सकता है। बात करते हैं चंदावास की, बाबरवास और चंदावास में लगभग 200 वोट प्लस लेती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब 80 गांव का आंकड़ा मैंने अभी तक आपको बता दिया है, और हो सकता है किसी का कोई आगे पीछे हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सही आंकड़ा अपने गांव का कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। बात करते हैं कैरू की, 7604 वोट है, 5346 वोट, 70% मतदान हुआ है। वहां पर हमने जो आंकड़ा है वो लिया नहीं है, लगभग बराबर सा रहेगा। शशि रंजन परमार जी अच्छे वोटों से मार्जिन इस गांव से ले रहे हैं। सिलेंडर पर जो है कैरूवासियों ने बहुत दम करके मोहर लगाई है। लाडियावाड़ी का जिक्र करते हैं तो 245 वोट यहाँ पे पोल हुए हैं, लगभग दोनों पार्टियां बराबर नजर आएंगे। देवराला के अंदर 2717 की पोलिंग हुई है, 77% वोट जो है यहाँ की जनता ने दिए हैं। 300 वोटों से बढ़त रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की लीड रहेगी। हिंदीवाड़ी का जिक्र करते हैं, 1804 वोट पोल हुए हैं, जिसमें से 150 प्लस की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी लेती नजर आ रही है। बिजलाना बास के अंदर दोनों पार्टियां 716 वोट हुए हैं, लगभग बराबर का आंकड़ा जो है नजर आ रहा है। ढाणी का जिक्र करते हैं, 1614 वोट पोल हुए हैं, 100 वोटों से प्लस की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। ढांगर के अंदर 1306 वोट पोल हुए हैं, 150 वोट प्लस की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। बात करते हैं भानगढ़ की, 1676 वोट पोल हुए हैं, इसमें से कांग्रेस पार्टी 400 वोटों से प्लस की लीड जो लेने वाली है। चिटाणी का जिक्र करते हैं, 745 वोट हुए हैं, दोनों के मैक्सिमम बराबर से वोट नजर आ रहे हैं। बात करते हैं लोहानी की, लोहानी के अंदर 3070 के आसपास वोट पोल हुए हैं, 64% मतदान यहाँ पे हुआ है। 300 प्लस वोट की जो लीड है वो भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। आसरवास दुबिया के अंदर 1145 वोट पोल हुए हैं, लगभग 400 वोट प्लस की जो लीड है भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। गोलपुरा के अंदर 1035 वोट पोल हुए हैं, 66% मतदान हुआ है, 150 वोटों से बढ़त भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यहां से लेती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं असलवाल मरेटा की, जहां से 1026 वोट पोल हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी 150 वोट प्लस की जो लीड है वो लेती हुई नजर आ रही है। और भाकरा के अंदर 618 वोट पोल हुए हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी 100 प्लस की लीड जो है लेती हुई नजर आ रही है। हरिपुर का जिक्र करते हैं, 282 वोट पोल हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 50 वोटों से प्लस की लीड लेती हुई नजर आ रही है। वहीं पाथरवाली का जिक्र करें तो 528 वोट जो है वो माइनस में रहेगी, क्योंकि पाथरवाली से भी कैंडिडेट यहां से खड़े हुए हैं, तो इसलिए 50 वोट जो है माइनस में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। नंगला का जिक्र करें तो 749 वोट पोल हुए हैं, 73% मतदान हुआ है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 100 वोटों से लीड लेती हुई नजर आ रही है। गोलागढ़ के अंदर जो
बंसी लाल का गढ़ कहा जा रहा है, किरण चौधरी का ससुराल जो है, और मैं ये कहूंगा कि अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी का जो गांव है उसमें से भी 200 वोटों की जो लीड है वो अनिरुद्ध चौधरी लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी वहां से 200 वोट जो है प्लस होते हुए नजर आ रही है। केरपुरा का जिक्र करें, 405 वोट पर हुए, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 100 वोट प्लस की नजर आ रही है। आजाद नगर का जिक्र करें तो 488 वोट है, 383 पोल हुए हैं, 50 वोटों की बढ़त यहां से भी कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जुई खुर्द और जुई बिचली का जिक्र करें तो 4176 वोट जो है वो पोल हुए हैं, यहां से 350 प्लस की जो लीड है वो कांग्रेस पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं जूही कला की, तो 100 वोट प्लस की लीड जो है भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। लालावास के अंदर बात करें तो दोनों का पलड़ा बराबर सा नजर आ रहा है, इसमें 20-30 ऊपर नीचे हो सकता है। और बात करें हम पोकरवास की, पोकरवास के अंदर 596 की पोलिंग हुई है, और हम बात कर रहे हैं कि 50 जो वोट है, बात करेंगे 50 वोट जो है पोकरवास के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कम जो मतदान जो हुआ है वो लगभग 60% पोकरवास के अंदर मतदान हुआ है, और उससे ऊपर का जो मतदान हुआ है लगभग 83% से 84% जो मतदान हुआ है, लगभग जनता जनार्दन ने 84% तक अब की बार तो शाम की जनता ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है, और लगभग ये माना जा रहा है कि सारे आंकड़े जोड़ने के बाद में 5150 की जीत का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी की, जो उम्मीदवार है श्रुति चौधरी, ये सारी लिस्ट जोड़ने के बाद में, सारा आकलन करने के बाद में, सभी बुद्धिजीवियों से बात करने के बाद में हो सकता है कि किसी गांव का आंकड़ा जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी 5000 के आसपास की जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को शाम सीट पर लेती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि किस गांव में क्या आंकड़े हैं, और वैसे सुबह तक आपको सारी जीत जो है वो नजर आ जाएगी, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, किसके सर पे ताज होगा और किसका जनता को नाच होगा। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, और बाय चांस कोई आंकड़े अगर मैच ना होते तो अक्षमा प्रार्थी रहूंगा। ये हमने बहुत जांच परख के आंकड़े जो है आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं सभी साथियों से कि कौन सी पार्टी सरकार बनाए, कौन सी पार्टी जीते, कोई भी कैंडिडेट जीते, कोई भी हारे, तो हारने वाले को दुख नहीं होना चाहिए और जीतने वाले को इतनी ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जो हैं आपस में भाईचारे के साथ में रहें और पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि किसी पे कमेंट ना कसें, किसी पे जोक ना मारें और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों चुनाव जो है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्यार प्रेम से इसी गांव में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रहना है। तो इसीलिए किसी का बेवजह उपहास ना उड़ाएं और सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। ये आपका अपना चैनल है VIP News हरियाणा, इसको सब्सक्राइब शुरू कर लीजिएगा।